आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर चीज पकोड़ा। ये मैंने पनीर लिया है, अब हम इसे पीस में कट कर लेते हैं। ये हमें इस तरीके के पीस कट करने हैं। आप चाहे तो छोटे या बड़े रख सकते हैं। देखिए मेरे पनीर के पीस कट गए हैं, अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने एक स्टिक ली है जिसे हमें पनीर में होल कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम सारे पीसेस में ऐसे ही होल कर लेते हैं। ये मैंने सारे पनीर में ऐसे होल बना दिए हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं पनीर चीज़ पकौड़ा, तो आप कभी भी ये हल्के फुल्के भूख में बना सकते हैं। ये मैंने चीज़ लिया है, ये अमूल का चीज़ क्यूब वाला चीज़ है ये। अब हम इसे थोड़ी पतली शेप में कट कर लेते हैं इस तरीके से। ज़्यादा चीज़ नहीं लेना है, सिर्फ थोड़ा सा ही चीज़ का मैंने इस्तेमाल करा है। ये चीज़ हम इस पनीर में डाल देते हैं, ऊपर से इसको आप कट कर सकते हैं। ऐसे हमें चीज की स्लाइस सारे पनीर में डालनी है। तो आप देख सकते हैं ये हो गए पनीर चीज रेडी। अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। ये मैंने 3 ब्रेड ली है जिसे मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब हम इसे गीला कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया है, एक मैंने इसमें प्याज काट के डाला है, ये मैंने 2 हरी मिर्ची, थोड़ा धनिया पत्ती। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी मैंने इसमें 1 कटोरी बेसन डाला है। अब हम इसे मैश कर लेते हैं। ये बैटर हो गया हमारा रेडी। अब हम इसमें पनीर के पीस को डाल देते हैं। अब हम इसमें एक एक पनीर का पीस डाल देते हैं। ऐसे हम और निकाल लेते हैं। जो हमने पहले रखे थे वो चेक कर लेते हैं हम। ये हमारे पीस हो गए हैं पनीर के तैयार, इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। पकोड़े हो गए हमारे रेडी, अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये मेरी ग्रीन चटनी, ये मैंने टमाटर सॉस लिया है, ये मैंने थोड़ा धनिया पत्ती ली है, इसपे मैं इस पे थोड़ा चाट मसाला भी डाल रही हूँ। तो ये मेरी आज की प्लेट हो गई है रेडी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।